न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन के पहले गति का नियम। अब भैया सब पढ़ लिए, इसको हिंदी में जड़त्व का नियम भी कहते हैं, अब पढ़ तो लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि समझ में नहीं आता। पढ़ लिए सर, बच्चों लोग को बोला अरे बता रहे बुआ लोग कहाँ आ रहे, तो बोलता सर पढ़ तो लिया लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो याद कैसे, घट्टा बनेंगे तो याद तो आगे नहीं करेगा ना, भूल जाएंगे ना, समझना है तो कैसे समझेंगे बताते हैं। न्यूटन साहब ने को हवा वाली तो बात तो बोली नहीं, वो बोली सिंपल बात की जो देखा वही बोला। उसने कहा कि देखो भैया कोई सामान जो है ना क्या होता है कि जब तक वो आराम में रहता है जब तक हम उस पर कोई बाहरी ताकत यानी बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक वो चलबे नहीं करेगा, और जब वो चलेगा जब तक उस पर हम कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे वो रुकेगा नहीं। देखिए सर कैसे बताते हैं, मान लीजिए अब देखिए अब समझ में आएगा। अभी को डस्टर है, डस्टर से मान लीजिए इसको अंदर डस्टर है, अब डस्टर पे जो है तीगो तीगो एयर दिए, कैप रख दिया, दिए ना तो क्या असर था कि नहीं, तो चलेगा नहीं चलेगा ना, नहीं चल रहा है ना। अब क्या करेंगे, देखो ये उंगली है ना इसका भारी फोर्स नहीं है, इसको हम लगा दिए, देखो चल रहा है, चल रहा है। तू कह रहा है कोई अगर वस्तु जो है कोई चीज जो है वो आराम कर रहा है, आराम अवस्था में मतलब विराम अवस्था में है, वो आराम कर रहा है तब तक नहीं चलेगी जब तक हम भारी बल नहीं लगाएंगे, लगा रहे चल रहा है, चल रहा है। फिर बोला तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसको नहीं रुकेगा, मान लो हवा भी रुकी ना उसको, इसका बॉडी का वेट था हवा जैसे आती है तो बल तो लगाता है रोकती है। अच्छा अब देखो उसका मस्त एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, मान लीजिए हम बचुआ लोग होते हैं, हम लोग घर में साइकिल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अब एक साइकिल है उस साइकिल को आराम से रखा रहता है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, वो आराम कर रहा है ना, विराम अवस्था में है, आराम कर रहा है। लेकिन क्या करते हैं जो ही हम उसको पकड़ते हैं चल ले आते थे, क्या हुआ भारी बल लगा। अब जब भारी बल लगता है तो क्या करता है, चलने लगता है, चलता है ना। जब हम चलाते हैं स्पीड में तो क्या होता है, उधर से मारता हवा, मारता है ना ऐसे करके, तो हम लोग चलते हैं, चलते 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 हैं, तो जब फिर हम खूब ताकत लगाते हैं हवा रोक नहीं पाती हमको, तो फिर हमको कहीं रोकना होता है क्या करते, ब्रेक लगाते हैं ना, ब्रेक क्या है भारी बल नहीं है तो क्या है, उसी को हमारे न्यूटन साहब ने कहा कि जब कोई वस्तु जो है ना विराम अवस्था में रहता है, आराम से रहता है, तो उस पर जब हम भारी बल लगाते हैं तब वो चलने लगती है, एकदम सरल रेखा में चलते चलती रहती है। फिर जब उसको हम भारी बल लगाते हैं तो रुक जाती है, चाहे वो हवा है, हवा भी तो भारी बल लगाती है, और या फिर चाहे हम ब्रेक मार के गाड़ी को रुकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई बॉल है क्रिकेट का, छक्का मार देते, चलते रहता है, फिर क्या करती है, कहीं ना कहीं रुक जाती है, क्या रुकता, हवा रुकता ना उसको, तो भारी बल लगाना हो वो ना हो तो फिर समझ लेते हैं। सबसे मस्त एग्जाम्पल हमारा साइकिल वाला है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई साइकिल है उस साइकिल को आराम से रखा रहता है, हम लोग क्या करते हैं पकड़ते हैं और फिर चलते जाते हैं, बात हम लगाते पैदल मारते भारी बल, चलता चलता है। फिर क्या होता है, कुछ देर बाद क्या करके कुछ दूरी में जाकर मन करता है रोकने का, तो क्या करते हैं, हवा तो रोक नहीं पाएगी, तो ताकत ज़्यादा लगाते हैं, तो क्या करता है भारी बल ब्रेक लगाते हैं, तो फिर जब हम भारी बल लगाते हैं तो रुक जाती है। तो इतना से बात हमारे न्यूटन साहब ने कहा था कि जब हम कोई वस्तु को चलाते रह जा करके चलती रहती है जब तक हम उस पर भारी बल नहीं लगाएं तब तक वो फिर रुकती भी नहीं है, समझ गए। तो हमारे सामने में जो हुआ था कहानी उसी को न्यूटन साहब ने लिखा था, लेकिन बच्चों वाला इतना एकदम कन्फ्यूजन हो गया, परेशानी हुआ। सिंपल सा एग्जाम्पल ना साइकिल वाला, ये भारी बल लगा रखा लेता साइकिल को, भारी बल लगाते चलता है, चल गया, फिर हवा भी भारी बल लगाया लेकिन नहीं रुके, तो हमारा ताकत ज़्यादा था, क्या कर दे, फिर भारी बल लगाया ब्रेक मारा धान से रुक गया साइकिल, समझ गया ना। यही चीज को हमारे न्यूटन साहब ने कहा था, समझ गए। तो ऐसे साइंस को पढ़ना है, सब साइंस को पढ़ लोगे तो फिर रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में ऐसे नहीं करोगा, यही कहा प्रति समझ नहीं आया है कि नहीं, समझे ना, तो ऐसे पढ़ना है यहाँ से, ठीक है।